आपके भीतर धर्म की प्यास, शुद्ध धर्म की जो एक भाव जगा है, इसको और गहरे गहरे हमने पोषण करना है। आप सभी गंभीर साधक हैं, फिर भी अभी भी आपको आत्मा के बारे में यदि कोई शंका हो, इस ध्यान शिविर के बारे में या कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई है प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न नहीं है? पक्का है कि आप आत्मा हो? कोई पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं? ये सारे संबंध देह के हैं। हम संबंधों के बीच में रहेंगे परंतु सत्य को स्वीकार करेंगे, और जितना सत्य को स्वीकार करेंगे उतना धर्म की गहराई आती चली जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे धर्म क्या है। मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका उत्तर देंगे। उत्तर शास्त्र का नहीं होगा। आपने अभी तक जो जीवन जिया है, जिसको धर्म मान करके आपने जीवन जिया है, वही बताएंगे। शास्त्रों का सत्य सत्य है, भगवान महावीर का सत्य सत्य, वो मेरे जीवन में सत्य नहीं आया। जैसे भगवान ने कहा कि झूठ बोलना, चोरी करना, पाप, लोभ, क्रोध जहर है। लोभ सबसे बड़ा पाप है। ये महावीर का सत्य है, मेरा और आपका कब बनेगा? इसके बारे में धर्म क्या है आप बोलेंगे? धर्म क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना। ठीक है, माता जी ने कहा कर्तव्य का पालन करना, और अपने प्रति सच्चा होना। अपने प्रति सच्चा होने का मतलब जैसे परमात्मा वैसे खुद को बनाना, बहुत अच्छा। और जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, अपने स्वभाव में रहना। सुंदर उत्तर, सुंदर है। और एकता, शीलता, सहजता में भी करना। एकता सहनशीलता और सहजता में। ठीक है, एकता सहनशीलता में धर्म है। और कुछ? कुदरत का कानून है, अपनी गलती को स्वीकार करना धर्म है। सत्चित आनंद धर्म है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी, दूसरों पे दया करना धर्म है। शांति आत्मा का गुण है, इसमें अपने आप को रमाए रखना ही धर्म है। शांति आत्मा का गुण है, अपने आप को रमाए रखना धर्म है। सुंदर है। आचार्य जी, परमात्मा जैसे बनने में ये सब आ ही जाता है। हाँ जी, परमात्मा परफेक्ट है, बट आई एंड यू आर नॉट द परफेक्ट। परमात्मा बनने में जैसे परमात्मा जैसा बनने में ही सब आ जाता है। सब आ जाता है। सुंदर उत्तर, सुंदर है। और दूसरों के हित और सुख के लिए जीना। दूसरों के हित और सुख के लिए जीना धर्म है। आप सब ने जो जो कहा बहुत सुंदर है, परंतु जनरल सामान्य तौर पर हम धर्म किसको मानते हैं? धर्म है किसी रीति रिवाज को मान लेना। जैसे आम तौर पर सुबह उठ करके माला कर ली, अनापूर्वी पढ़ ली, समय कर ली, हम समय के हम धर्मवान हो गए।
अमुक अमुक के रीति रिवाज को मान लेने से हम धर्मवान हो जाते हैं, और आज तक हमने ऐसा ही किया है। हिंदू हैं तो मंदिर में चले गए, शिव के भक्त हैं तो लोटा पानी का चढ़ा दिया, भगवान महावीर के भक्त हैं तो मंदिर में जा कर के मूर्ति के दर्शन कर लिए, स्थानकवासी हैं तो स्थानक में चल कर के गुरुओं के दर्शन करके माला पढ़ ली, हम धर्मवान हो गए। आम तौर पर लोग इसको धर्म कह देते हैं, या किसी परंपरा में रह जाना धर्मवान है। जैसे कोई परंपरा अपनी अपनी परंपरा है, उस परंपरा में रहते हैं, हम तो कट्टर स्थानकवासी, हम तो कट्टर हिंदू, हम तो कट्टर सिख, इसको भी लोग धर्म मान लेते हैं। या किसी विशेष मंत्र का जाप कर लेना, या किसी दर्शन की को दर्शन को मान्यता को मान लेना, किसी फिलॉसफी को मान लेना, ये मेरी विचारधारा है, इसको धर्म मान लेते हैं। या किसी भगवान या गुरु की आज्ञा में चलना, जैसे गुरु ने कोई मंत्र दे दिया, बस मेरे लिए वही धर्म है। आप चले जाओ दक्षिण में, मंदिर में जाएंगे और मांसाहार भी करेंगे, फूल चढ़ा देंगे, हम धर्मवान हो गए। कोई देवी के मंदिर में जाएगा, जगराता कर देगा, देवी ने कहा है बकरा चढ़ाना है तो चढ़ा भी देंगे, वो भी धर्मवान हो गए। धर्म अर्थात किसी विशेष पंथ का अनुयायी हो जाना, ये हमारी आमतौर पर धर्म के बारे में समझ है। परंतु ये धर्म नहीं है, धर्म के अलग अलग अंग है, पूर्ण धर्म नहीं है। इस पूर्णता के ना होने से व्यक्ति के भीतर संघर्ष है, तनाव है, पीड़ा है, बेचैनी है। जहाँ संघर्ष है, जहाँ तनाव है, जहाँ आग्रह है, वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता, वो सब अधर्म है। तो फिर धर्म क्या है? धर्म नियम उपनियम, जितने हम नियम उपनियम को मानते हैं वो धर्म का एक अंग है, पूर्ण अंग नहीं। जैसे स्थानकवासी परंपरा में समसरी के दिन उपवास करना, समसरी के दिन प्रतिक्रमण आलोचना करना, सिखों के जाओगे तो गुरुद्वारा में जाकर के मत्था टेक लेना, मुसलमान के जाओगे तो नमाज पढ़ लेना, इसको धर्म मान लेते हैं। ये नियम उपनियम को मान लेना ये धर्म है, ये धर्म पूर्णता धर्म नहीं है, एक धर्म का अंग है। हम एक अंग को पूर्णता धर्म मान लेते हैं और जिंदगी भर इसमें लगे रहते हैं, और सारी जिंदगी के में हम धर्मवान हो जाते हैं, ये धर्म नहीं। तो क्या हुआ धर्म? धर्म ऐसे है जैसे फूल की सुगंध फल का आ जाना। अब फूल का खिल जाना, फूल की सुगंध का आ जाना, फल पक जाना कैसे है? जैसे माली एक पौधा लगाता है, बीज लगाता है, पानी देता है, खाद देता है, सूरज की रोशनी आती है, चंद्रमा की चांदनी आती है, ये सब ज़रूरी है ताकि पौधा बड़ा हो, फूल आए, फल आए। ऐसे ही नियम उपनियम सभी जरूरी हैं। यदि आप नियमों का पालन नहीं करोगे, नियम भी जरूरी हैं, पर नियम ही धर्म नहीं है। आज तक हमने क्या कर लिया? नियम को धर्म मान लिया। सिख हैं तो गुरुद्वारे में चले गए, स्थानकवासी हैं तो स्थानक में आ गए, मंदिर गए तो मंदिर में चले गए। ये नियम उपनियम का पालन करना धर्म का एक अंग है, पूर्णता अंग नहीं। जैसे फूल खिल जाने के लिए पानी देना जरूरी है, खाद देना जरूरी है, सूरज की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी जरूरी है, परंतु जरूरी थी नहीं कि पौधे को पानी दे दिया, सूरज की रोशनी मिल गई, खाद आ गई, फल आए, फूल ना खिले, फिर भी फूल नहीं खिलते। आपने देखा कि सब पौधे फूल नहीं
दे पाते, फल नहीं पाते, ऐसे ही रह जाते। ऐसी जिंदगी भर व्यक्ति नियम उपनियम का पालन करता करता उसके जीवन में कोई सुगंधि कोई फल नहीं आता। और जिंदगी भर नियमों का पालन करता अहंकार का पोषण कर लेता, मैं इतने नियमों का, मैं इतना उपवास करने वाला, मैं इतना दान देने वाला, मैं इतना विचारधारा को मानते वाला, जिंदगी भर लगा लेता है और तनाव और दुखी होता चला जाता है। इसलिए धर्म है जैसे फूल का खिल जाना,